मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रीवा जिले के त्योथर के फुलगढ़ी पहुंचे। वहां उन्होंने 3,24,00,000 रुपए की लागत से फुलगढ़ी कड़ी के पुनरुद्धार का काम का भूमि पूजन किया। यही नहीं, उन्होंने पट्टे भी बांटे जिनके पास जमीन नहीं थी, जिनके पास घर नहीं थे, उन्होंने जमीन के पट्टे बांटे। अब वो जमीन के स्वामी हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये भी कहा, कुलगढ़ी में हम सबरी माता की मूर्ति भी लगाएंगे, जैसे लोग यहाँ आए देखें प्रेरणा लें। हम चाहते हैं गरीब के पास अपना खुद का मकान हो, गरीब के पास दो वक्त की रोटी हो, गरीब का सम्मान वापस लौटाने का हम काम करेंगे। सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज त्योथर के कुलगढ़ी पहुंचे। वहां उन्होंने कुलगढ़ी का भूमि पूजन किया, गरीबों को पट्टे गाटे। हर गरीब के साथ मामा शिवराज खड़ा है, सबको पट्टा मिलेगा, गरीब को राशन मिलेगा। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब बगैर पट्टे के नहीं होगा। गरीब को सम्मान लौटाने का काम किया जाएगा। मैं कोल समाज का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। कुलगढ़ी का जीर्णोद्धार होगा। यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा और सबरी मैया की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी, जो हमें प्रेरणा देगी, जिन्होंने भगवान राम को भी पर्णकुटी बनाकर दी थी। आपके सम्मान पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। आज हमने 3,000 से ज़्यादा पट्टे बांटे हैं, जो बच गए हैं उनको भी हम पट्टा देने का काम करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्योथर के कुलगढ़ी के जीर्णोद्धार के बाद वहीं पर आयोजित कोल जनजाति सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। समारोह में मुख्यमंत्री ने सिंचाई परियोजना का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने 3.24 करोड़ रुपए की लागत से कुलगढ़ी के जीर्णोद्धार का भूमि पूजन किया। दिखाते हैं आपको मुख्यमंत्री ने त्योथर में क्या कुछ कहा, किस तरीके से कुलगढ़ी के बारे में कहा, क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कुलगढ़ी जो कौलों के सम्मान स्वाभिमान और शासन का प्रतीक है, वो जीर्ण हो गई थी। हमने फैसला किया कि फिर से जीर्णोद्धार का काम किया जाएगा, पुराना खोया वैभव वापस लौटाया जाएगा। इसलिए तमसा नदी के किनारे यहाँ सुंदर घाट का निर्माण होगा, नान बले बड़े बनेगा, कुलगढ़ी का जीर्णोद्धार होगा और इसके साथ साथ ये स्थान एक तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। तो एक तो सबको पट्टा देने का काम जो बात कहिए किया जाएगा। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब बिना पट्टे का नहीं रहेगा। मैं तो कौल समाज का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि हर गरीब के साथ मामा शिवराज सिंह चौहान खड़ा है। गरीब को पट्टा, गरीब को राशन और गरीब का सम्मान लौटाने का हम काम करेंगे। कुलगढ़ी का जीर्णोद्धार होगा, जीर्णोद्धार के साथ भगवान बिरसा और सबरी मैया की मूर्ति भी लगाई जाएगी, जो हमको प्रेरणा देगी। ये कौल समाज है जिन्हें भगवान राम के लिए भी पर्ण कुटीर बना के दी थी। बोले सबरी मैया की, बिरसा भगवान की, कौल समाज की। और मैं इतना ही कहता हूं कि आपको सम्मान पूर्ण जीवन जीने का हक है। यह देश अपना बगीचा जहां अलग अलग रंग के फूल खिले हैं, उनमें से एक सुंदर फूल है कौल समाज। और इसलिए आज 3,000 से ज्यादा पट्टे बांटे गए हैं। ये पट्टे आपको भूमि का अधिकार दे रहे हैं। जो बच्चे हुए हैं उनको भी पट्टे दिए जाएंगे और पट्टे के बाद वहां धीरे धीरे मकान बन जाए उसका भी इंतजाम किया जाएगा।